हम अम्बेडकर नगर के रामनगर विकासखंड बसखारी विकासखंड रामनगर के ग्राम पंचायत महेशपुर मंडप पंचायत भवन पे पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं पंचायत भवन की क्या कंडीशन है। ये अभी संचालित नहीं हुआ है, आपको हम दिखा रहे हैं। अभी संचालन इसका हुआ नहीं, उसी कंडीशन क्या है। ये जगह जगह से क्रैक होना चालू हो गया है। ये देख लीजिए पूरी दीवार जो है फटना चालू हो गई है। चारों कोना जो है फट के वो हो गया है। ये शौचालय का देख लीजिए आप किस कंडीशन में शौचालय है इनका। अब ये पूर्णता बन चुका है, आप देख रहे हैं ये शौचालय बना हुआ है। दूसरा शौचालय हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये भी जो है ये देख लीजिए इसकी साफ सफाई। ये शौचालय है, स्नान घर, ये शौचालय है। ये देखिए पूरी दीवार फट रही है, जगह जगह से क्रैक हो रहा है। ये भी इसको साल भर भी बन के नहीं हुआ है। चारों कोना देख लीजिए आप क्रैक हो गया है। ये भी देख लीजिए, ये भी कोना पूरा क्रैक हो गया है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है रामनगर के अंदर, रामनगर ब्लॉक के अंदर, कि आप रामनगर के ब्लॉक के जितने भी पंचायत घर हैं आप देखेंगे इसी तरीके से, या तो अभी अधूरे काम रह गए हैं, या तो जितने काम हुए हैं वो काम जो है मानक के विपरीत हुए हैं। लूट घसोट, जिसमें लूट मचाई गई हुई है, और जितने भी पंचायत घर हैं सारे के सारे लगभग ऐसे ही हैं। कहीं से टूट रहे हैं, कोई अपनी अभी आधी अवस्था में है, कोई खाली रेत से जोड़ा जा रहा है, किसी में पीलेट का प्रयोग हो रहा है। ये रामनगर ब्लॉक के लगभग सारे गांव में अगर सर्वे किया जाए तो यही अवस्था मिलेगी। जितने भी ग्राम पंचायत में जाएंगे आप, अगर आप देखेंगे वहाँ तो सारे में सारे कुछ ना कुछ, कहीं प्लास्टर झड़ रहे हैं, कहीं टाइल्स का काम नहीं हुआ है। जो बन गया पूर्ण रूप से बन गया है लेकिन ये संचालित नहीं हुआ अभी तक। इसमें आप देख रहे हैं कि कौन लोग रह रहे हैं, किस हिसाब से पंचायत घर है। ये सुंदरता है पंचायत घर का, ये आप देख लीजिए हाल क्या है, आपको हम दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए पूरी दीवार जगह जगह से फटना चालू हो गई है। यहाँ खाना भाई साहब बना रहे हैं, ये पंचायत भवन है। क्या भ्रष्टाचार को रोकने और देखने वाला कोई भी अधिकारी नहीं है रामनगर में? इतनी ज़्यादा मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या यहाँ रामनगर ब्लॉक के अंदर वीडियो को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पे है? क्या सरकार का पैसा ऐसे अन्यथा कहीं भी कुछ भी कर दिया जाए और उस पर उसका 50% भी यूज नहीं करके 50% अपनी जेब में भर लेते हैं? ये आप देख ही सकते हैं कि अगर जितना पैसा इस पंचायत भवन में लगाकर ईमानदारी से उतना पैसा लगाया गया होता, जो निकाला गया, जो सरकारी सरकार ने जो मुहैया करवाया था ग्राम पंचायत बनवाने के लिए, जितनी रुपया अगर उतनी रुपया लगाई गई होती तो मैं समझता हूँ आलीशान एक मकान बनता। लेकिन इसमें जो है खाली लूट घसोट और भ्रष्टाचार किया गया है, तो आप भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना देख सकते हैं।